की निर्वाचन प्रणाली पढ़ा रहे थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली लाइव हो जाने दीजिए बाबू, एक मिनट। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा दिए थे, भाग एक संघ और उसका राज्य, भाग दो नागरिकता, भाग तीन मूल अधिकार, भाग चार नीति निर्देशक, चार का क मूल कर्तव्य, पांच संघ। संघ के बारे में, संघ केंद्र सरकार नहीं है, यहाँ पे संघ शब्द की चर्चा है, संघ शब्द की चर्चा है। सब लोगों को गुड मॉर्निंग। लाइव में जितना है, हम लोग भाग संख्या पांच पढ़ रहे हैं, उसमें हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना था। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पढ़ना है उसमें सबसे पहले हमें राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ना है। तो राष्ट्रपति के बारे में क्या पढ़ना है भाई? तो राष्ट्रपति का ट्रिक बताए थे, क्या था थोड़ा सा बाबू? एक मिनट वेट करेंगे, पटना वाले लोग आप लोग थोड़ा सा, हल्का सा नेट प्रॉब्लम हो गया। लाइव में सब लोग को देखिए, एक बार फिर से जुड़ जाइए, सब सही हो जाएगा। लड़की लोग आराम बैठोगे, लोग घसा घसा का, लड़का कैसे कोनवा में कैसे बैठ गया, लड़का निकलो उसमें से, बैल कहीं का, ए उबी खाली कर, लड़की वाला सीटों आप बैठ जाएगा सब, नहीं समझ। किसी दिन मेरा दिमाग घूम गया तो पकड़ के पूछ देंगे हम। पकानी को का द्वियोदशम राष्ट्रपति का ट्रिक है। जितने लोग करमफोर लोग नहीं आए हैं वो लोग ध्यान से समझेंगे कि राष्ट्रपति का आर्टिकल चालू होता है 52 से। आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61, समझ गए कि नहीं? आ गया 62, इसमें कहां से आएगा रे बैल कहीं। देखिए प से होता है राष्ट्रपति का पद, ये ब्रिटेन की महारानी से लिया गया है। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का से कार्यपालिका का प्रधान होगा, लेकिन वास्तविक रूप से कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री होगा, ये औपचारिक रूप से होंगे। यहाँ तक कल हम बताए थे, नॉर्मल सा चीज था, सबको पता है। 52 में राष्ट्रपति का पद है, 53 में राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि ये कार्यपालिका के क्या होते हैं, प्रधान। मेन आर्टिकल आता है 54, अनुच्छेद कौन सा 54 आता है, 54। नी से क्या होता है बाबू? निर्वाचन। नी से निर्वाचन, निर्वाचन ये बहुत जरूरी है, इसको समझेंगे आप लोग। राष्ट्रपति का निर्वाचन, किसका निर्वाचन हुई? राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, काफी लंबी प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति का निर्वाचन में। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। दिमाग से उतर जाएगा आप लोग को, तो कोई बात नहीं, इसको धीरे 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 करके हम समझ जाते हैं। एक एक टुकड़ा है, टुकड़ा में यहाँ पे। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किस आर्टिकल में है? 54। किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका यानी भारत में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उसमें लास्ट मोहर किसका रहेगा? राष्ट्रपति। किसमें? 53। राष्ट्रपति का पद की चर्चा किसमें? 52। चलिए आर्टिकल संख्या कितना हो गया? 52 समझ में आ गया, 53, 54 में क्या है भाई? निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कैसे होता है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक खास ग्रुप के लोग भाग लेते हैं, खास ग्रुप के लोग भाग लेते हैं जिसे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहा जाता है।
राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में पहले ये देख लेते हैं कि भाग कौन कौन लेता है, उसके बाद समझेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग लेने वाले लोगों को राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहा जाता है। इलेक्शन कमीशन का जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल है, जो उसमें कौन कौन भाग लेगा पहले इसको समझ जाते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो जो लोग भाग लेते हैं वो क्या बन, यूपी दरोगा के एग्जाम में क्या पूछा भाई, मूल विधि तो उसका एक सेक्शन ही है, तो उसका तो एक पूरा का पूरा उसका सेक्शन है मूल विधि। तो देखिए ये अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, किसके द्वारा होगा, निर्वाचक मंडल। ये निर्वाचक मंडल ही राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करता है बहु, भाग लेता है। इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है तो ध्यान से समझिएगा, देश चलाने के लिए होता है संसद, देश चलाने के लिए संसद, और राज्य को चलाने के लिए विधान मंडल, क्या होता है विधान मंडल, विधान मंडल। ये दोनों एगो बिल्डिंग का नाम है, संसद भी एगो बिल्डिंग है, विधान मंडल भी एक तो क्या है बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के दो कमरे लोकसभा और राज्यसभा, राज्यों की विधान मंडल जो है इसके भी दो कमरे विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो देखिए ध्यान से, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा भाग लेती है और राज्यसभा भाग लेती है, हर राज्यों की विधानसभाएं भाग लेती हैं। यूपी का विधानसभा लेगा, जम्मू कश्मीर का, जहां जहां विधानसभा है वहां वहां की विधानसभा भाग लेगी। जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में विधानसभा होती है, जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में क्या होती है विधानसभा होती है। कुछ केंद्र शासित हैं जहां भी विधानसभा है, जैसे दिल्ली में विधानसभा है, पांडिचेरी में विधानसभा है, तो जिन जिन राज्यों में विधानसभा है वो लोग तो भाग लेंगे ही लेंगे, भाग लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे। और दिल्ली एवं पांडिचेरी में भी क्या है विधानसभा, वो भी भाग लेंगे, किसी कोई दिक्कत। विधान परिषद क्या है कि एक अलग से हाउस रखा जाता है, एक अलग कमरे जो सब राज्यों में नहीं है, इसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है 168, 169, 170, 171, इस सब के बारे में जो पढ़ाएंगे, बहुत दूर है ये चीज, तो वहां हम आपको बताएंगे कि सारे राज्यों में। ये अभी वर्तमान समय में भारत के केवल और केवल 6 राज्यों में है, कितने राज्यों में है 6, आगे बढ़े, कितने राज्यों में है? सात राज्यों में है सर, नहीं बाबू 6-7 राज्यों में था। दक्षिण भारत का राज्य तेलंगाना, क्या नाम था तेलंगाना, उसने अपने यहां से क्या हटा दिया विधान, तो वर्तमान में कितने राज्यों के पास, कितने राज्यों के पास 6 राज्यों के पास। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा भाग लेती है, राज्यसभा भाग लेती है, विधानसभा भाग लेती है। अब आप खुद सोचिए, आप संविधान बनाने वाले होते तो क्या आप विधान परिषद को भाग लेने की अनुमति देते हैं, हाँ? तो ये बेवफाई क्यों, सबके पास नहीं है, ये सबके पास नहीं है। लेकिन आप बताइए, आने वाले 50-60 साल बाद मान के चलिए सारे राज्यों ने अपने यहाँ क्या लागू कर दिया, विधान परिषद। तो जब सारे राज्य अपने यहाँ क्या लागू कर देंगे, विधान परिषद, तो उस कंडीशन में क्या विधान परिषद को आप परमिशन देंगे कि नहीं, हाँ देंगे, लेकिन अभी है, अभी नहीं है। तो विधान परिषद क्या कभी भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा, तो विधान परिषद का सदस्य भाग लेगा। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि मुख्यमंत्री क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, तो लेता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अमूमन विधानसभा से होता है। लेकिन जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है उसमें तो एक ये भी संभावना है कि विधान परिषद का भी सदस्य क्या बन सकता है, मुख्यमंत्री। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य हैं, न कि विधानसभा के।
तो जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में लोकसभा ने तो भाग लिया, राज्यसभा ने भाग लिया, विधानसभा भाग लिया, क्या विधान परिषद भाग लेगा? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किधर के हैं विधान में, तो क्या वोट डालने गए थे? तो जब मुख्यमंत्री किधर का होगा विधान परिषद, तो वो उस स्थिति में वोट नहीं डाल। बाकी जैसे उत्तर प्रदेश में है या फिर झारखंड वगैरह जो लोग विधानसभा से, वो लोग को क्या करना पड़ेगा, वोट डाल सकते हैं। यहाँ ये भेदभाव क्यों किया गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, वेरी गुड, लाइव वाला सबका जवाब सही रहता है, तुम लोग बकलोल रहता है आधा से ज्यादा। चलिए अब ध्यान दीजिए, विधान परिषद का तो भाई निपटा दिए, लोकसभा भाग लेगी, राज्यसभा भाग लेगी, विधानसभा भाग लेगी कि नहीं लेगी? क्या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा भाग लेगी? नहीं। अलग बात है कि बाकी केंद्र शासित में विधानसभा नहीं है, अंडमान में विधानसभा ही नहीं है, नहीं है, लेकिन दिल्ली में है कि नहीं, पांडिचेरी में, जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा बनेगा। बट सबसे अभी इतना अशांत है कि वहां कुछ सिचुएशन, अभी पूरा प्रशासन फोकस किया है कि सिचुएशन को क्या किया जाए, कंट्रोल किया, जैसे कंट्रोल होगा विधानसभा कहाँ आ जाएगी, जम्मू कश्मीर में। जब केंद्र शासित राज्य रहता है तो वहां पे भी अगर बहुत बड़ा रहता है तो उसे क्या दे दिया जाता है, जनसंख्या ज्यादा रहेगा तो विधान परिषद दे दिया जाएगा। तो आप इस चीज को तो समझ में आ गया। अब जिसका विधान परिषद, अब कौन सा राज्य विधान परिषद बनाना चाहता है तो वो उस राज्य की विधानसभा डिसाइड करेगी हमें चाहिए या नहीं चाहिए, और जिसके पास ऑलरेडी है उसकी भी विधानसभा डिसाइड करेगी हटा दे कि रहने दे। तेलंगाना ने क्या कर दिया, हटा दिया। अब बात करते हैं लोकसभा, लोकसभा के लोग भाग लेंगे कि नहीं लेंगे, राज्यसभा के लोग, चलिए ध्यान कहाँ गया जी। एक लड़का कह रहा है कि सर विधान परिषद भाग क्यों नहीं लेता है, क्योंकि सारे राज्यों में नहीं, भाई राष्ट्रपति पूरे भारत का है तो उसके साथ भेदभाव नहीं ना करेंगे। तो यहाँ पर राष्ट्रपति सारे राज्य, जिस दिन सारे राज्यों में आ जाएगा विधान परिषद, उस दिन सारे राज्यों की विधान परिषद किसमें भाग लेने लगेगी, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने लगेगी। अब लोकसभा में देखिए, लोकसभा में राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन को, किसे, दो एंग्लो इंडियन को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। मनोनीत उसे कहा जाता है, नॉमिनेट उसे कहा जाता है जो चुनाव ना लड़े, कोई इंसान उसको सेलेक्ट कर ले, नहीं ये ठीक लग रहा है इसको हमें लोकसभा में लाना चाहिए। तो दो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत, बिना चुनाव लड़े उसे कहां ले आ देते हैं, लोकसभा। एंग्लो इंडियन किसे कहा जाता है समझिए ध्यान से, जब भारत गुलाम था तो भारत में केवल यूरोप महाद्वीप के ही देश आके गुलाम बनाए थे, चाहे वो पुर्तगाल हो, ब्रिटेन हो, डच हो, फ्रांसिस हो, डेनमार्क वाले हो, स्वीडन वाले हो, तो ओवरऑल हमारे ऊपर कई देशों ने कब्जा किया गुलामी के टाइम पे, बट वो किस महाद्वीप से आते थे, तो ओवरऑल जब वो यहाँ पे रहते थे तो वो जिनकी ड्यूटी लगती थी इंग्लैंड से भेज दिया कहाँ पे ड्यूटी के लिए, भारत में 15 साल यहीं रह जाएगा, तो वो लोग क्या करते थे, भारत की महिलाओं से क्या कर लेते थे, शादी कर लेते, तो नॉर्मल ठीक था। लेकिन ससुरा 1947 में जब देश आजाद हुआ ना, तो ब्याह किया सब तो अपने चल गया सब, पत्नी को यहीं छोड़ दिया सब, बाल बच्चा को यहीं छोड़ दिया, रहो तू यहाँ पे, चल दिया सब। तो भैया उनका कोई प्रतिनिधि करने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए, और ऐसा थोड़ी है कि अंग्रेजी एक दो मोहल्ला में थे सब, हर जगह था सब वहां पर। तो उन लोगों को क्या कहा जाता है, एंग्लो इंडियन, जिसकी माता क्या हो, भारतीय, और पिता यूरोप, यूरोप के किसी देश का हो, उसे क्या कहा जाता है, एंग्लो इंडियन। जब देश आजाद हुआ था ना उस समय एंग्लो इंडियन बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब धीरे 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 एंग्लो इंडियन समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि मान के चलिए कि कोई एंग्लो इंडियन था तो उसके पिताजी कहाँ थे, विदेश के थे, यूरोप के, विदेश के नहीं, यूरोप के। देश आजाद हुआ 47 में, उसके पिताजी चले गए, वो क्या बन गया, एंग्लो इंडियन, क्या बन गया, एंग्लो इंडियन। लेकिन जब एंग्लो इंडियन है तो इंडियन तो है ना जी, पिता के नाते ये क्या बना है, एंग्लो इंडियन। ये बड़ा होगा जब ये किसी से शादी ब्याह करेगा तो उसका लड़का एंग्लो इंडियन थोड़े कहलाएगा, वो तो प्योर इंडियन हो जाएगा,
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये शुरुआत में इसकी वैल्यू थी, अभी एंग्लो इंडियन खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, सब मर खप गया था, हटाइयो दिया इस। हाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अभी भी कहीं कहीं क्या होता है, मिलते हैं एंग्लो इंडियन, समझ में आ गया? अब मान के चलिए कोई केवल यूरोप के ही महाद्वीप को क्यों शामिल करते हैं, समझ में आ गया? सर सानिया मिर्जा, ये कहां से आ जाएगी सानिया मिर्जा? सानिया मिर्जा इसमें नहीं आएगी। सानिया मिर्जा तो ऑफिशियली अगर बाई पेपर देखेंगे तो अभी भी क्या है, इंडियन। बहुत होशियार है, हम पढ़ाए ना अनुच्छेद 11 खूब अच्छा से पढ़िए, नौ आर्टिकल 9, जहां विदेश का लेंगे तो भारत की नागरिकता खत्म। तो एंग्लो इंडियन समझ में आ गया, क्या एंग्लो इंडियन चुनाव लड़ देंगे? नहीं, इन्हें कौन चुनता है? हाँ राष्ट्र, और राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को क्या कर देते हैं, मनोनीत, मनोनीत 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। अब ये 12 लोग कहाँ से आ सकते हैं? अच्छे वैज्ञानिक हो सकते हैं, या डॉक्टर विज्ञान के क्षेत्र से हो सकते हैं, या फिर कला के क्षेत्र से हो सकते हैं। कला के क्षेत्र में देखेंगे रेखा जो हीरोइन थी, हम लोग के समय की हीरोइन रेखा, बहुत अच्छी हीरोइन हम लोग के सर। आजकल ससुरा अलग अलग हीरोइन आ गई है सर, समझे में नहीं आता है कौन है यहाँ पे। हाँ हाई जो है भाई कंगना, मच्छरदानी पहन के घूमेगी अगर हम लोग के वक्त की जो हीरोइन थी सब मत पूछिए, नरगिस। तो ये 1970-75 के दशक का था, तो उस समय बहुत विज्ञान के क्षेत्र में क्या था, मतलब कला के क्षेत्र, सचिन तेंदुलकर, ये इनके पास भी खेलने की क्या है, कला है। अब जैसे नीरज चोपड़ा भाला फेंकने, तो विज्ञान से होना चाहिए, कला से होना चाहिए, आपको साहित्य से होना चाहिए, तो आपको क्या किया जा सकता है, मनोनीत किया जा। जावेद अख्तर का नाम सुने, उनकी शायरी बहुत जबरदस्त होती है, जावेद अख्तर साहब। तो जावेद अख्तर भी एक बार एगो को पंचर वाला बोल दिया, तो उन्होंने को घेर लिया था सर तो जावेद अख्तर को भी क्या किया गया था, मनोनीत किया गया। तो सचिन तेंदुलकर को भी मनोनीत किया गया, रेखा को भी मनोनीत किया गया, कुछ दिन में कंगना रानोट को भी क्या किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा। यह उसका वही सबसे अच्छा जगह है संसद, वैसे ही लोगों की जरूरत है, समझ में आ गया कि नहीं? आराम से वहां मच्छरदानी पहन के बैठेगी आगे देखिए अगला देखते हैं हम लोग। तो राष्ट्रपति विज्ञान कला और साहित्य के क्षेत्र से कितने लोगों को मनोनीत कर सकती है, 12, और एंग्लो इंडियन को, देखिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान से समझिए, इन लोगों को राष्ट्रपति के वोट में मतदान करने नहीं देता है, इन लोगों को वोट डालने नहीं देता। रीजन समझिए इसके पीछे क्या है। मान के चलिए कि रामनाथ कोविंद जी हैं, अभी चुनाव जीते हैं, और इन्होंने 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में क्या कर दिया, मनोनीत किया, और 12 मतलब विज्ञान कला साहित्य के क्षेत्र से क्या कर दिया, इधर राज्यसभा में मनोनीत किया, यानी संसद में इन्होंने अपनी इच्छा से कितने को डाल दिया, 14 को। अगर यही रामनाथ कोविंद दोबारा चुनाव में खड़े होंगे तो इतना तो कन्फर्म है कि हाई 2 को वोट रामनाथ कोविंद को देगा, आई 12 को उन्हीं को देगा। तो इन लोगों को पक्षपात की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि ये लोग तो चुनाव लड़ के आए नहीं है, ये क्या हुए, नॉमिनेट हुए हैं, मनोनीत हुए हैं। तो कह दिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य, अर्थात टोटल संसद से 14 सदस्य जो मनोनीत होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले। एक्चुअली में ये प्रॉब्लम तभी क्रिएट होगा जब वही राष्ट्रपति दोबारा चुने, समझ में आ गए? अब जैसे मान के चलिए रामनाथ कोविंद जी 2 इधर से मनोनीत कर दिए, अब 12 को इधर से मनोनीत कर दिए, और चुनाव अगला जो चुनाव आएगा राष्ट्रपति साहब का, उसमें रामनाथ कोविंद जी खड़े ही ना हो, उनके जगह पे कोई और खड़ा हो जाए, अमिताभ बच्चन मान के चलिए कोई भी खड़ा हो जाए, लेट सपोज हम बात बताते हैं बच्चन जी खड़ा हो जाए, अमिताभ बच्चन, तो उन्होंने थोड़ी ना उसको मनोनीत किया, ये ना ये तो दे, ये तो यहाँ पे पक्षपात की संभावना कम है, लेकिन संविधान में ये भी तो कहा गया है कि कई राष्ट्रपति 2 बार चुन सक खड़ा हो सकता है, उस कंडीशन में भेदभाव होगा कि नहीं होगा, सोचिए कितना गंभीरता से संविधान को लिखा गया है।
उस वक्त लिखा गया कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर। इतने पढ़े लिखे उस समय के नेता थे, और आज के नेता, आज के नेताओं में होड़ लगी हुई है रिकॉर्ड तोड़ने में। वो साबित कर देंगे आने वाला जो हमारे आजादी का जो 100 साल होने वाला है 2047 में, उसमें वो साबित कर देंगे कि 200 साल की गुलामी में अंग्रेजों ने देश को उतना नहीं लूटा जितने 100 साल के आजाद देश में इन नेताओं ने लूट लिया। ये 47 में सिद्ध करके दिखा देंगे लोग, एक गारंटी देख लीजिएगा। और वो लोग लूटते थे तो एक समझ में भी आता था कि यार हम गुलाम हैं, लूट रहा है यार तुम। हमको एक चीज बड़ा अजीब लगा, एक आदमी अभी कुछ दिन पहले हम गए थे तो सड़क बड़ा अच्छा था। अभी जैसे यूपी में कितना बेहतरीन सड़क बना है, एक्सप्रेस वे बहुत बेहतरीन सड़क, तो लोग खुश होते हैं सड़क के लिए, वो अच्छी बात भी है। तो बिहार में एक हाईवे है बड़ा अच्छा, इधर जहानाबाद साइड में बहुत अच्छा हाईवे बना दिया है, 4 लेन बना है कि नहीं, कोई है जहानाबाद का हाईवे ठीक ठाक है कि नहीं है, 4 लेन हाईवे है। तो आदमी कह रहे थे कि देखिए कितना अच्छा काम हुआ है, यहाँ पर 4 लेन हाईवे हो गया। हम कहें कि बहुत अच्छा बात बोला, मन ही मन सोचे कि लोग का स्तर कितना गिर गया है। आप अपनी जरूरत की चीज को भी विकास समझते हैं। आजाद देश में आपको ये अधिकार नहीं है कि आपके पास 4 लेन सड़क हो, और अगर 4 लेन सड़क मिल जा रहा है तो आप तारीफ कर रहे हैं, ये तारीफ की बात है। आपके पिताजी आपको तन ढकने के लिए कपड़ा दे दें तो आप तारीफ कीजिएगा, पिताजी कपड़ा खरीदवाए, नेसेसिटीज है, ये जरूरत है। लेकिन देश इतना ना नीचे गिर चुका है, इतना ना चूस लिया गया है नेताओं द्वारा कि जिंदा रहने को विकास समझा जा रहा है। ये हमारा, इसमें तारीफ की क्या, ये हमारा आजादी का 100 साल होने जा रहा है, 75 साल हो गया, क्या हमारा ये हक नहीं है कि हमको अच्छी सड़कें मिले, अच्छे हॉस्पिटल मिले। लोग कहते बहुत बढ़िया सड़क था, अजब हाल है यार, बढ़िया सड़क तारीफ होनी चाहिए, लेकिन खुद से सोच के देखिए कि इंसान को कहां गिराया गया है। ये वही हो गया ना, किसी भिखारी को 500 रुपया दे दीजिए तो खुश हो जाएगा, क्योंकि लोग उसको भिखारी बना के रखे। जब नौकरी हो जाएगा कोई 500 रुपया देगा तो रख लेंगे, रखो नहीं, समझ में आएगी नहीं, गजब हो जाता है। लेकिन चलिए क्या कीजिएगा, पहले तो ऐसा नहीं सड़क था कि गाड़ी धस जाती थी अंदर, एक दूसरा आके खींच के ले जाती थी, बट ये नहीं होना चाहिए, ये हमारी नीड है। और देश को ये करना होगा, सड़क हम अपने घरे लेके नहीं जाएंगे, देश सड़क अच्छा रहेगा तो ही ठीक ठाक होगा। बिहार के डेवलपमेंट में एक सबसे बड़ी बाधा ये भी हो जाती है, सड़कें नहीं है। कोई भी अगर जगह डेवलप है, आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, वहां 100 किलोमीटर डिस्टेंस 1 घंटे में तय कर लिया जाता है, वो ऑटोमेटिक वो चीज डेवलप हो जाएगा यहाँ। लेकिन यहाँ से जाइए तो नहीं, गांधी से, खैर अभी भी बिहार में, लेकिन एक चीज है, सड़कों पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। पैसे नहीं है बिहार गवर्नमेंट के पास, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा आप ही लोग के टैक्स से आता है, यहाँ टैक्स देता कौन है, किसान ज्यादा है लोग ना, किसानों के ऊपर बहुत सारी चीजें टैक्स नहीं रहता है। आगे समझते हैं, झुंझुना पकड़ा दिया है लोग, हम लोग को आगे बढ़े। लेकिन अच्छी बात है, देखो हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार ने सड़क खराब, हम उस व्यक्ति को कुछ नहीं कहें, हम कहें कि अच्छा किया, लेकिन हम मेंटेलिटी बता रहे थे आप लोग, अच्छा सड़क पे आप इतरा रहे हैं, ये आपका हक है, अधिकार है आपका, अच्छी सड़कें मिले। लोकतंत्र भारत में कहने के लिए है, लेकिन लोकतंत्र एक्चुअली पंचायती क्षेत्र में है कि आप अपने मुखिया से और अपने वार्ड मेंबर वाले सदस्य से आराम से बतिया सकते हैं, उसके ऊपर गए तो विधायक जी उतना दूर है तो साष्टांग दंडवत प्रणाम महाराज एकदम जय हो, मंत्री जी हैं तो मतलब तो जिले इलाही मत बोलिए आप मंत्री जी के बारे में। चलो झारखंड की सड़क बिहार से अच्छी भाई, बहुत बेहतरीन सड़क है, एक्सप्रेस वे तो भाई यूपी में बहुत ज्यादा है। तो 2 एंग्लो इंडियन को क्यों रोका गया, नेक्स्ट चुनाव में ससुरा ये नौटंकी ना कर दे। 12 मनोनीत को क्यों रोका गया, नेक्स्ट चुनाव में ये गड़बड़ ना कर, तो संविधान वालों का दिमाग सही था कि नहीं था। तो ये हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब एक बात समझिए कैसे, इसमें भी विधानसभा में भी एगो एंग्लो इंडियन रहता है, विधानसभा में कैगो एंग्लो इंडियन रहता है, एक तो एंग्लो इंडियन, तो क्या ये राष्ट्रपति के चुनाव भाग लेगा, काय लिए देंगे भैया, हुआ 2 को ना दिए तो यहाँ 1 को देंगे। तो एक शब्द में हम ये भी तो कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, कैसे सदस्य,
किसी को दिक्कत? कैसे सदस्य भाग लेते? क्या इसका मनोनीत लेगा? इसका मनोनीत नहीं। हम ये कह सकते, हाँ जी, यहाँ पे तू काहे नौटंकी करते रहता है बकलोल कहीं। यहाँ पर मनोनीत सदस्य भाग को नहीं लेते हैं, कहीं पे भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लिया जाता है। तो बताइए यहाँ कितने मनोनीत? एक, यहाँ 12, यहाँ ही। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में राज्यों की विधानसभा भाग लेती है किंतु विधान परिषद भाग नहीं लेता। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है ये तो समझ में आ गया। अब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता अब ये समझ जाते हैं। वोट इन्हीं लोग को डालना है। अब बताइए आप डायरेक्ट वोट डालेंगे या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। कैसे? कि इन लोकसभा में हम लोगों ने चुनकर भेजा और ये सब जाके हमारे लिए राष्ट्रपति चुन रहा है। हम लोगों ने राज्यसभा में भेजा, हम लोगों ने कहाँ भेजा? विधान। और ये सब जा रहा है सर हम लोग के लिए क्या खोजने? हाँ, राष्ट्रपति खोजने के लिए जा रहा है। इनडायरेक्टली होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। इनडायरेक्ट उसी को बोला जाता है। जैसे मान के चले हम लोग हैं, यहाँ पढ़ा रहा आदमी, फुर्सत नहीं है पढ़ाने से, अब यहाँ पर किसी स्टाफ को रखना है। सपोज कीजिए कोई कॉलिंग के लिए, कोई टाइपिंग के लिए, कोई प्रूफ रीडिंग, दुनिया भर का जरूरत होता है। अब हम सबको सिलेक्शन करते रहे, सबका इंटरव्यू लेते रहे, कैसे कैसे हो ये हो, तब तो हो गया काम। यहाँ पे हम एक को डिप्यूट कर देंगे, हम चुन देंगे एक को, क्योंकि तुम्हारा यही काम ही है कि किसे सेलेक्ट करना है किसे नहीं करना है तुम डिसाइड करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम उसको सेलेक्ट किए और वो यहाँ लोगों को सेलेक्ट कर रहा है। तो जितने स्टाफ आते हैं वो डायरेक्ट आते हैं या इनडायरेक्ट? कुछ को तो हम डायरेक्ट करेंगे और उनमें किसी को जिम्मेदारी दे देंगे कि तुम क्या करो सेलेक्ट। तो इनडायरेक्ट। तो राष्ट्रपति साहब का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट जनता देती है या जनता द्वारा चुने गए लोग जाके चुन देते हैं? तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? शुभम कुमार कह रहे हैं इनडायरेक्ट सिलेक्शन। नहीं बाबू, इनडायरेक्ट इलेक्शन। सिलेक्शन नहीं होता है, इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब हम आते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल तो समझ में आ गया। ये राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रणाली से होता है। अनुपातिक प्रणाली, प्रोपोर्शनल रेशियो, प्रोपोर्शनेट में होता है, अनुपातिक प्रणाली में होता है। कैसे होता है अनुपातिक प्रणाली में? क्या है भैया, ध्यान से समझिए। राष्ट्रपति, ठीक लिखा है कि नहीं? गलती बोलेगा मिटा देंगे हम तुरंत। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में अनुपातिक प्रणाली का मतलब है आप सबको वोट देंगे। जैसे कोई राष्ट्रपति के चुनाव में आदमी उठा है ए, एक आदमी उठे हैं बी, एक आदमी उठे हैं सी, हम तीनों के लेते हैं, एक और उठा दीजिए चार, एक और उठा दीजिए पांच, समझाने के लिए तीन को बहुत है। ये बताइए आपके गांव में यदि चुनाव होगा और तीन आदमी उठा हुआ है तो आप वोट डालने जाएंगे तो किसी एक को ना डालिएगा? हाँ, किसी एक को डालिएगा वोट। अब पता चला आपने कहा कि रुको ए भी हमारे चाचा हैं और हाई हमरी वाली के पापा हैं। तो दोनों को वोट डाल देंगे, कहेंगे भाई दोनों अपने आदमी हैं, दोनों को वोट मार देंगे। तो आपका वोट किधर की ओर जाएगा? आई बकलवा कह रहा है कि होकरी वाले के पापा को, दोनों में से किसी को नहीं जाएगा। जाएगा नहीं, काहे नहीं जाएगा? बोगस वोट कहते हैं उसको। आप एक एक को चुन सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो आप बताइए ऐसे कंडीशन में आप चाचा को वोट देंगे कि उसके पापा को? अरे बकलोलवा, उसके पापा को गलती से मत देना, मुखिया बन जाएगा तो तोरो को थोड़े पूछेगा वो। बढ़िया खोजने लगेगा दूसरे गांव के मुखिया के, ओकरा से चल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। यहाँ पर वोट जो होता है सबको दिया जाता है। यहाँ पर वोट किसको दिया जाता है? सबको। आगे बढ़े सर, दोनों को दे देंगे तो दोनों वोट बोगस हो जाएगा। हाँ, उसे बोगस वोट कहते हैं, कैंसिल वोट, दोनों कैंसिल हो जाता है। ऐसा हर जगह होता है लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितने लोग खड़े होते हैं सबको वोट देना है, अनुपात में देना है, यानी प्रोपोर्शनल में देना है। हम सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हैं, सेकेंड नंबर पे किसे पसंद करते हैं, थर्ड नंबर पे किसे पसंद करते हैं। मान के चलिए 10 को खड़ा हो गया, हम ससुरा 10 को देंगे, एक नंबर पे ये,
2 नंबर पे ये, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, हम किस सीक्वेंस में लोगों को पसंद करते हैं उसमें हमको क्या करना पड़ेगा वोट। इसी को क्या कहते हैं? अनुपातिक प्रणाली। क्या कहेंगे? अनुपातिक प्रणाली। जैसे मान के चलिए कि किसी ने आया वोट डालने के लिए, हम वोट डालते हैं यहाँ पर, किसी को लगा कि हमारे हिसाब से तो सबसे अच्छा बी है। अरे यार तुम लोग वाला सोच लिया तुम लोग वाला सोचो, वो वाले की बात नहीं कर रहे हैं। ओहो या वहां हम समझाने के लिए मुखिया लिए थे जैसे वोट पे बी पे वोट डाले हल्ला करने लगा। यहां पर तो हम राष्ट्रपति को ना डाल रहे हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो तो आपको समझाने के लिए मुखिया के बारे में बताए थे, समझ आया कि नहीं आ गया? बकलोल कहीं का। अरे ये हम वोट नहीं डाल रहे हैं, ये हम लोकसभा के आदमी से, राज्यसभा के आदमी से डलवा रहे हैं। कह रहा कि सर आपका वोट हमको जान गए। चलिए अब 2 नंबर पे मान के चलिए इसने सी को रखा, 3 नंबर पे ए को रखा, कोई और आएगा वोट डालने, क्योंकि वोट डालने के लिए लोकसभा से 545 लोग आएंगे, राज्यसभा से 245, इसमें तो चुनाव निर्वाचित सदस्य ही आएगा, तो 245 में से 2 को घटा दीजिएगा। इसमें ओवरऑल देखिए कंसेप्ट पे जाइए, कैलकुलेशन को गोली मारिए, 545 यहां से, 250, 245 यहां से, कैलकुलेशन हटा लीजिएगा बाद में 12 को घटा के, ज्यादा कैलकुलेशन करिएगा तो मेन कंसेप्ट से दिमाग हट जाता है। तो 545 यहां से आएगा, 245 यहां से, हर राज्यों के विधानसभा से आएगा, अकेले यूपी से 403 को आएगा सब वोट डालने, बिहार से 243 को जाएगा, यहाँ पे हर राज्यों की विधानसभा वाला अपने अपने क्षेत्र से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ऐसे एक आदमी यहाँ पहुंचा है और उसने अपने हिसाब से वोट मार दिया, कोई दूसरा आया तो कहा कि नहीं हमको इनको हम रखेंगे 1 नंबर, इनको रखेंगे 2 नंबर, इनको रखेंगे 3 नंबर। एक और आदमी आया, उसने कहा कि हम इनको रखेंगे 1 नंबर, इनको रखेंगे 2 नंबर, इनको रखेंगे 3 नंबर। सीक्वेंस सेम हो जाएगा। कोई और आदमी आएगा कहेगा कि ना इनको रखेंगे 3 नंबर, इसको रख देंगे 1 नंबर, इसको रखेंगे 2 नंबर। ऐसे वोटिंग चल रहा है, हजारों लोग आएंगे भाई वोट डालने, टकला समझ रहा है। चलिए अगली वोटिंग में फिर कोई आएगा, वो कहेगा कि हम इनको रखते हैं 2 नंबर पे, इनको रखते हैं 1 नंबर पे, इनको रखते हैं 3 नंबर पे। अब आप बताओ बाबू, आपको समझाने के लिए हम का 545 को वोट मरवाए हैं, इधर 243 तो पता चलेगा बिहान हो जाएगा, बिहान मतलब समझते हैं डे आफ्टर टुमारो नेक्स्ट क्लास में सुबह हो जाएगा, इतना में तो आप समझ जाएंगे, नहीं समझ आप लोग समझ जाएंगे कि नहीं? तब सब समझ जाएंगे सब। चलिए आगे समझे, चलिए अब अभी और भी समझते हैं, एक और वोट मार देते हैं यहाँ पर, एक और एक मान के चलिए यहाँ आया, एक और वोट डाल दिया, कहा कि हम इनको रखेंगे 1 नंबर पर, इनको रखेंगे 3 नंबर पर, इनको रखेंगे 2 नंबर पर। अब हम वोट की क्या करते हैं? गिनती करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लाइव वाले सब लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बताओ कौन जीता? तो अब होगी मतगणना, अब होगी मतगणना, कौन जनगणना बोल रहा है जी? जन ई बोली होगी सब यही सब उल्टा सीधा आंसर देते मतगणना होगा तो जनगणना बोल ली आगे देखिए अब होगी सबसे पहले गिनती किया जाता है 1 नंबर पर सबसे ज्यादा वोट किसको मिला है। तो सबसे पहले होती है प्रथम चरण की मतगणना, प्रथम चरण की मतगणना होती है, इसमें हम देखते हैं कि किसको कितना पहले नंबर पर वोट मिला है, और अगर पहले नंबर पर डिसाइड हो गया तो बातें फरिया गया, टेंशन है खत्म। नहीं समझ में आ गया? तो बताइए पहले चरण की जब मतगणना होगी तो इनको 1 नंबर पे कितने लोग रखा है? 1, 2, 3, यहां कितना हो गया? 3। आ इनको 1, 2, 3 यहां पर आइया, ये तो करम फोर है, इसको 1 नंबर पे किसी ने रखा ही नहीं है, ये तो खत्म कहानी, पहले चरण में बाहर। पहली चरण की मतगणना में कौन जीता? पहली चरण की मतगणना में कोई नहीं, तो प्रथम मतगणना में कोई नहीं जीता।
कोई नहीं जीता, हारा भले एक बाहर चल गया, तो चुनाव हारने के लिए नहीं जीतने के लिए होता है। कौन हारा इससे हमको क्या मतलब बनता है, जीता अल्टीमेट कौन इस पे डिपेंड करता है। बताइए इसमें कोई जीता? अब कौन सी मतगणना होगी, कौन सी चरण की? दूसरे चरण की मतगणना। इसमें ना की मात्रा छूट गया था, दूसरे चरण की मतगणना। अब इसमें हम लोग कौन से काउंट को करेंगे, दो नंबर पर किसने लोगों ने किसको रखा? भाई बकलोलवा का गिनती होगा नहीं, भगा दीजिए इसको। इस पर दो लोग, इस पर कितने लोगों ने इसे दो नंबर पर रखा, एक एक आदमी इसे कितने नंबर पर रखा है, दो नंबर पर। आ इसको एक दो दुइये बोल जीत गया होकर पापा जीत गए कितना खुश है सब भाई, हम कहें कि रिजल्ट आते अल्लाह का करने लगा था, सब समझ में आया, इधर चोटिया के पापा जीत गए गजब हो गया बताए, गजब हो गया, द्वितीय चरण की मतगणना में जीत गया, वाह। तो ऐसा होता है, मान के चलिए यहां भी ससुरा नहीं जीतता, ससुरे जीत गया अगर यहां भी ससुरा नहीं जीतता तो फिर कौन सी मतगणना, तीसरे चरण की। किसने चरण की, तीसरे चरण, तीन नंबर पे कितने लोगों ने रखा है, तो तीसरे चरण पे हमको लगता है ये बाजी, भाई बाजी मार लेता, अगर तीसरे जगह पे होता तो चचा जीत जाता काहे के लिए तीन नंबर पे इसको कितने लोगों ने रखा है, दोनों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले चरण की लाइव वाले ध्यान से समझिए आप लोग, पहले चरण की मतगणना में एक एक नंबर वाले को काउंट करते हैं, कितने लोगों ने इसे एक नंबर पर रखा है। अगर पहले चरण में फरिया गया तो टेंशन खत्म, कौन माथा लगाएगा, चाचा जीता देते हैं। लेकिन अगर पहले चरण में जो हम एक नंबर काउंटिंग को गिन रहे थे, अगर वो बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, दूसरे चरण की मतगणना। अगर इत्तेफाक से दूसरे चरण की भी मतगणना होगी तो क्या होगा, उसमें भी अगर नहीं जीता तो तीसरे चरण। मान के चलिए इत्तेफाक से यहां भी दोनों को एक एक नंबर वोट बटा दो, तो कौन से चरण की मतगणना, तीसरे चरण की मतगणना में कौन से नंबर को जोड़ते हैं, तीन नंबर, तो इसके पास कितना था, एक, इसके पास दो, चाचा जीत जाते, जीत जाते कि नहीं जीता, सर ससुरा जीत गया सर एक बंदा तीन वोट ही देगा, अरे घोचू, तीन वो आदमी खड़ा है तो क्या करेगा, टेबल पे बैठ के मोहर मारेगा ना, मर तो हम यहाँ पे अनुपातिक प्रणाली, अरे चार को खड़ा रहता चार को देता, ये पक्का लड़की होगी, अरे चला गया कमेंट ऊपर, आगे चलते हैं, नहीं लड़का था, लड़का था, लड़को ये का एकदम ब्रांडेड बकलोल होता है सर, 24 कैरेट का, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़े, अब इसमें ध्यान से समझिए, ये हो गया आपका कौन सा प्रणाली, अनुपातिक प्रणाली, कौन सी प्रणाली, अनुपात, अनुपातिक प्रणाली कहता है कि जितने लोग खड़े हुए हैं आप सबको अपनी वरीयता यानी सीनियरिटी लिस्ट यानी प्रायोरिटी के लेवल के आप सबको वोट डालते जाइए, जब गिनती होगा तो पहले चरण की मतगणना में फर्स्ट प्रायोरिटी पर डाले गए वोटों की गिनती होगी, अगर उसमें जीत डिक्लेयर हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दूसरे चरण में गिनती होगी। दूसरे चरण में हम लोग सेकेंड प्रायोरिटी को गिनते हैं, अगर दूसरे चरण में भी नहीं फाइनल हुआ तो तीसरे चरण में हम किसे सुनते हैं, तीसरे प्रायोरिटी को चुनते हैं। यहां चौथे चरण की मतगणना, दूसरे चरण की मतगणना में जीता है। अब हम समझते हैं एकल संक्रमणीय क्या होता है, अभी तो अनुपातिक प्रणाली समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, अनुपातिक प्रणाली समझ में आ गया, अब समझते हैं एकल संक्रमणीय क्या होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली से होता है, तो अब समझना है एकल संक्रमणीय। इसमें सबसे कम वोट कौन पाया, सी, सबसे कम वोट कौन पाया, सी के वोट को ले लिया जाता है, कहता भागो यहां से, सी के वोट को क्या किया जाता है, ले लिया जाता है, और सी के वोट को बांट दिया जाता है बाकी में, किसमें बांट दिया जाता है, बाकी में,
तो बस यही हो जाता है एकल संक्रमण। सबसे कम वोट पाए इंसान के पहले चरण में जब वो भारी बाहर हो जाता है, इसमें बस अनुपातिक एकल संक्रमण कुछ ध्यान से नहीं देखना है, बस ये देखिए सबसे कम वोट कौन पाया सी, उसके वोट को क्या कर लीजिए, ले लीजिए, कहिए कि तुम तो वैसे भी हार रहा है, भागो यहां से, और उसके वोट को लेकर इसे बांट दीजिए बाकी लोगों में, बांट दीजिए, ले जाओ यहां, इसका कोई मतलब नहीं बनता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जो सबसे कम वोट पाया है उसके वोट को लेकर बाकी को दे दीजिएगा, क्या कहलाएगा, एकल संक्रमण। इससे कुछ नहीं होता है, फायदा ये होता है कि जीतने वाले का जीत और भी बड़ा लगने लगता है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वोट था और वो वोट वाइन सौ को मिल गया होगा, तो जो वोट थोड़ा छोटा लग रहा था वो जीत क्या लगने लगती है, बड़ा लगने लगता, और कोई मतलब नहीं बनता है, बस जीत को स्पष्ट जीत दिखाने के लिए। समझा रहे ने? हाँ हाँ, बराबर बांट देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बांटने के चक्कर में, द्वितीय मतगणना के चक्कर में कई बार, मतलब देखिए जब भी आप जीतिएगा तो आप जीतेंगे एकल संक्रमणीय के आधार पर नहीं, बल्कि आप जीतेंगे अपने प्रथम चरण की मतगणना पर, नहीं तो द्वितीय, नहीं तो तृतीय। जब आप जीत जाएंगे तो उस जीत में चार चांद लगाने का काम कौन करेगा, एकल संक्रमण, एकल संक्रमण। मान के चलिए कि कोई आदमी है चार वोट से जीता, अच्छा लग रहा है सुनने में, इसी में एकल संक्रमण ये लगा के 10,000 वोट और दे दीजिए, 10,000 चार वोट से जीत गया, तो जीत एक वोट से हो चाहे 10,000 वोट से, जीत जीत। तो एकल संक्रमणीय लाने का बस उद्देश्य यही रहता है कि जीत के वैल्यू को बढ़ा दे, ताकि राष्ट्रपति सम्मानित लगने लगे, वाह रे भाई वाह। समझा गया? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, जीतिएगा आप अनुपातिक प्रणाली पर, लेकिन जीत को बड़ा दिखाने के लिए एकल संक्रमणीय, कौन सा, एकल संक्रमणीय। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकल संक्रमणीय होता है। आगे बढ़े सर, सरदार पटेल की वोटिंग कैसे हुई थी? सरदार पटेल कहिया राष्ट्रपति बने थे रे? एक से खुशी आ रही। आगे बढ़ जाए, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में लोकसभा भाग लेगा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, क्या दिल्ली की विधानसभा भाग लेगी, पांडिचेरी की मनोनीत सदस्य भाग लेंगे, नहीं लेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? एकल संक्रमणीय लाने से व्यक्ति जीतता है या जीत अस्पष्ट दिखने लगे? जीत अस्पष्ट दिखने, जीतेंगे तो आप अनुपातिक प्रणाली पे जो वोटिंग हुआ है उसी आधार पर आपको जीतना है। अब चाहे आप प्रथम चरण में जीत जाइए या द्वितीय चरण में जीत जाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? प्रथम चरण की मतगणना में अगर नहीं जीतेंगे तो किसमें जाएंगे, द्वितीय चरण, उसमें भी नहीं गए तो तृतीय में जाएंगे। तो अमूमन प्रथम चरण में लोग जीत जाते हैं, अमूमन प्रथम चरण में जीत जाते हैं। आपका काम आप बताइए कि कौन से राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन में द्वितीय चरण की मतगणना करनी पड़ी। द्वितीय चरण की मतगणना किसके समय आई थी, ये आपका काम है, ये हम नहीं बताएंगे आप लोग को। बस उसको रहने दे, उधर से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। सभी चरण कभी बराबर ही नहीं होगा। जिस तरह से सीक्वेंस है ना बाबू, सभी चरण बराबर नहीं होगा। एक बार प्रैक्टिकली आप 10 आदमी से वोटिंग कराइएगा, 10 आदमी से, ठीक है, और बराबर बराबर बांटेंगे, और मान के चलिए इसमें हो भी जाता है तो राष्ट्रपति के लिए एक कोटा होता है, राष्ट्रपति का कोटा, अगर राष्ट्रपति के कोटा से कम हो गया तो फिर भी छटा जाएगा, इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में बहुत अच्छे से इसकी व्यवस्था की गई है। चलिए, नहीं जी, आप ऐसे नॉर्मल चुनाव में एकल संक्रमणी नहीं लाते, एकल संक्रमणी वहीं लगेगा जहां पर आपको अनुपातिक चुनाव देखने को मिलेगा। आप विधायक के चुनाव में अनुपातिक डालते हैं, जो आपको पसंद है वोट डालिए, नहीं पसंद है मत डालिए।
चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। राष्ट्रपति का निर्वाचन तो हो गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन किससे होता है? एक निर्वाचक मंडल द्वारा, प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष, अनुपात एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा, गुप्त मतदान से होता है। अरे भैया सब गुप्त मतदान होता है, कौन वोट डाला आप झांक के देखने जाते हैं? चचा काम और तो सब तो सब कैसा होता है? गुप्त मतदान होता है। फर्स्ट राउंड में बाहर हो गया उसके वोट को क्या कर, वही बांट दिया जाएगा। बाबू आप इस पे बहुत लड़का फोकस कर रहा है कि ये कैसे बटेगा, कहाँ बटेगा, इस पे कोई टेंशन नहीं लीजिए, ये कोई काम का नहीं है। बस आपके जीत में और चार चांद लगाएगा, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। किसी भी चीज में अगर कोई भी धनात्मक संख्या चाहे कितनी भी छोटी हो जोड़ेंगे तो वो संख्या क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती। बस ये जीत को क्या करना चाहता है? अस्पष्ट। और कहता है भैया तुम हारे हो तो तुम सीधे जाओ, सबसे कम वोट पाए हो तो तुम सीधे जाओ। ये चुनाव के जीत उसमें उतना डिसीजन नहीं लेगा, तो इसलिए इस पे ज्यादा फोकस नहीं मारना है। बस इतना समझिए जो सबसे कम वोट पाया उसके वोट को क्या कर दीजिए? बांट दीजिए, ले जाओ भाई तुम यहाँ पे प्रथम चरण। सबसे पहले जीत, अगर ज्यादातर जीत किसमें हो जाती है? प्रथम। एक राष्ट्रपति जिनके समय में द्वितीय चरण हुआ था, बीबी, चलिए आप ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका अनुपातिक प्रणाली। अब राष्ट्रपति के चुनाव में आगे भी कुछ शर्त वगैरह होते हैं, तो ये क्या था भाई? राष्ट्रपति का पद किसमें? 52। राष्ट्रपति का पद 52 कहां से लाया गया है? ब्रिटेन की महारानी। जब ब्रिटेन की जनगणना होगा ना, तो उसमें सबसे पहला नागरिक ब्रिटेन की महारानी को माना जाएगा। किसे माना जाएगा? ब्रिटेन की महारानी। अमेरिका में होगा तो पहला नागरिक किसे माना जाए? अभी के वक्त में जो बाइडेन। उसी तरह भारत में होगा तो प्रथम नागरिक हमारे रामनाथ कोविंद जी, वही होंगे राष्ट्रपति। बताइए कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? पीएम। कौन होता है? पीएम। और कार्यपालिका का फॉर्मा मतलब बस ऐसे कान राष्ट्रपति। निर्वाचन समझ में आ गया? राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा है। किसके द्वारा होता है? इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते, विधान परिषद भाग नहीं लेता। जिस दिन विधान परिषद सारे राज्य में होगी वो भाग लेगा, समझ में आ गया, और मनोनीत तो कभी भाग नहीं लेगा। ये सब तो एकदम तुम लोग का कोई उपाय नहीं है, कोनो ना हो तो तुम लोग ये सब वेट कीजिए, क्या पता सारे राज्यों में क्या आ जाए विधान परिषद। आगे बढ़े, सर इनका चुनाव कौन करवाता है? इनका चुनाव भारत का चुनाव आयोग, जिसे आप निर्वाचन आयोग कह सकते हैं। निर्वाचन आयोग, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? निर्वाचन आयोग कह सकते हैं, तो वही इसका क्या करता है? चुनाव कराता है। अभी हम लोग के राष्ट्रपति साहब का चुनाव कौन कराया है? निर्वाचन आयोग। अब आप एक बात समझिए, आप ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति के वोट में 14 लाख वोट से कोई जीत गया, किसी को 14 लाख वोट मिला। सोचो 14 लाख कैसे मिल गया? यहाँ तो समझ में आता है कि भाई खूब से खूब 545 है, अभी एमएस से 2 गो एंग्लो इंडियन निकालना ही है, 245 है, एमएस से 12 गो मनोनीत निकालना ही है, कुल ले दे के 700-750 के आसपास है सब राज्यों के विधानसभा, सारे विधानसभाओं को मिला देंगे तो कुल 1200 आता है, तो कुल ले दे के 1500-1600 आदमी, यानी 1500 आदमी जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने। उधर जीत रहा है 14 लाख वोट, गड़बड़ है हा? कुछ का कुछ गड़बड़ है। इसको पता करने के लिए सीबीआई से दया को बुलाना पड़ेगा, पता करो दया सीआईडी में देखेंगे ना, ड्यूटी करता है सो में एक दूसरे को फंसे को करता है। अरे यार ड्यूटी सही से करो, गांव में फंसा लियो कोनो को, ड्यूटी में काय को डिस्टर्ब करता है जवाल है। अब ध्यान समझिए,
राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक आदमी की वैल्यू एक वोट के बराबर नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एक लोकसभा का सदस्य जो होता है 10 लाख की जनसंख्या पे वह अकेला होता है, 10 लाख की जनसंख्या पे वह एक अकेला होता है। तो अब हम वैल्यू निकालना सीखेंगे। किस चीज की वैल्यू निकालना सीखेंगे? कि लोकसभा में बैठने वाले, पार्लियामेंट में बैठने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी ने अगर एक वोट दिया तो उस एक वोट की वैल्यू कितने वोट के बराबर। इसमें बैठने वाला मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए, एक एमएलए ने अगर वोट दिया तो कितना वोट उसको समझा जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? समझ में परसेंट उसको देखा जाएगा। जैसे अगर हम कहते हैं कि आप किसी को अपना 1% रुपया दीजिए, 300-400 आएगा? ज्यादा ही बोल दिया। अरे आप लोग को 5-6 हजार रुपया आता होगा घर से, 7 हजार यही ना आता है। अब मान के चलिए आप किसी को अपना 1% पैसा दिए, समझ आ रहा है कि? और किसी को अगर अंबानी ने 1% पैसा दे दिया, फिर तो फिर पूछिए नहीं। जे बेजोस से इलोन मस्क ने दे दिया 1%, तो बातें खत्म है वहां पर। इलोन मस्क की अकेले की कंपनी की जितनी वैल्यू है उतने पूरे पाकिस्तान की वैल्यू नहीं है। पूरा खरीद लेगा, अकेले खरीद लेगा वहां। तो दिखने में तो लग रहा है दोनों कि 1% आपका भी लगा, 1% अंबानी का लगा, लेकिन वैल्यू क्या है अंतर। तो दिखने में भले ये लग सकता है कि एक सांसद ने वोट दिया, एक सांसद मत देखिए, उसका वैल्यू देखिए कि 10 लाख की आबादी पर वो अकेला है। कहा जाता है कि 10 लाख लोगों का ध्यान रखना है इसको, अतः 10 लाख लोगों से कुछ टैक्स लीजिए, इसको गाड़ी दीजिए, बंगला दीजिए, पुलिस दीजिए सिक्योरिटी के लिए, सारा नियम कानून समझाइए कि कैसे कैसे लूटना है। तो ये सारा नियम कानून किसको सिखाया जाता है? एगो को। और तब जाके वो धौंस दिखाता है, और उसका पावर जो होता है आईएएस से ऊपर रखा गया है। सोचिए कैबिनेट सेक्रेटरी बराबर रखा गया है एक सांसद का पावर को, और ये रखा कौन है? यही लोग नियम बनाते हैं और रख लेते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि कोई भी पुलिस वाला हो, डीएम हो चाहे एसपी हो, सांसद से सर करके बतियाता है। रीजन क्या है? उसको ट्रेनिंग में बताया गया कि वो आपसे सीनियर है। और नौकरी का सीधा उसूल, आपके घर का नौकरी नहीं है कि आप सीनियर है तो दूसरे को कुछ कर देंगे। वहां कहा जाता है सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट। तो उसकी से ये लोगों ने क्या कर रखा है? अपने से बड़ा, 900 से बड़का पद अपने रख लिया है। समझेगी? तो लोग क्या कहता है? सर सर, खड़ा नहीं रहेंगे लोग, बैठ इज्जत से बात करेंगे वहां पर। तो सर सर बात करता है, लेकिन जज जो थे वो सब कहे से कि हमारा पे ना चलते ही, काहे के लिए न्यायपालिका कार्यपालिका अलग, हमारा थोड़ा सा मतलब नहीं है। तो अब चाहे प्रधान लालू यादव मुख्यमंत्री है ना, जब मुकदमा चलता था तो जज के पास जाके बैठते, अब बैठ नहीं सकते थे वहां, खड़े रहेंगे वहां पे, आज खुद उठ के जाना पड़ेगा। इंदिरा गांधी को बुला लिया था कोर्ट, आओ। इमरान खान को अभी बुलाया है, 2 दिन बाद जाएंगे उस समन में वहां पे। 2014 में वहां गोली चली थी ना स्कूलों पे, पेशावर स्कूल में, उस मैटर पे लेके। तो कोर्ट कहता है कि हम थोड़ा से बड़ा नहीं है, लेकिन जिस दिन ये चीज ये लोग संसद वाले कह देंगे कि जिस तरह से जज हमसे सीनियर है, उसी तरह से डीएम हमसे सीनियर, उसी तरह से एसपी हमसे सीनियर, उसके बाद देखिए ये सब क्या करेगा, सब सिंघम निकलेगा से यहाँ पे। सब का निकलने लगा सिंह। तो वो नियम ही इस तरह से बनाया गया है कि इनका वैल्यू जो होती है सेक्रेटरी के बराबर होता है, यानी सीनियर आईएएस के बराबर, कमिश्नर से क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। इसलिए ये लोग बड़ी, कभी कुछ तो कुछ नेता मंत्री बहुत ग्राउंड टू अर्थ होते हैं, बहुत सीधे साधे होते हैं, और कुछ बहुत खचरा टाइप का होता है, वो लोग पावर का मिसयूज करने लगता है। तो आपको ये दिखने में क्या लग सकते हैं? एक, बट इनका पावर 10 लाख लोगों का, अतः इनके वोट की भी वैल्यू होती है उस राज्य में कितनी जनसंख्या है इस आधार पर होती है। क्या बिहार के एक एमएलए का वोट यूपी के एक एमएलए के बराबर होगा? यहाँ 11 करोड़ जनसंख्या, वहां 22 करोड़, लगभग लगभग क्या है, डबल है। तो इसको हम लोग निकालना कल सीखेंगे। समझ में आ गया? अभी राष्ट्रपति के चुनाव में किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए। एकल संक्रमण ये समझ में आ गया, अनुपातिक प्रणाली सबको समझ में आ गया, तो बढ़िया ही है। अब कल हम आपको क्या समझाएंगे?